स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कैंप प्लांट्स के बारे में. सबसे पहले हम देख लेते हैं कैंप प्लांट्स कौन से होते हैं. कुछ प्लांट्स जो हैं वो ड्राई और हॉट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे कैक्टस प्लांट जो है वो दिखाया गया है. अब ये जो कैक्टस प्लांट है ये हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है. अब ये जो प्लांट्स हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद होती है उसको फिक्स करते हैं, यानी कि उसको अपने अंदर लेते हैं. और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. अब अगर हम इन कैंप प्लांट्स की बात कर लें तो इन कैंप प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए होता है उसे हम कहते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. यानी कि ये जो प्रोसेस है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे कैम भी कहा जाता है, ये स्पेसिफिकली इन हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट के प्लांट्स के लिए होता है. अब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आपको पता है कि उसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है उसको लेते हैं और उसको किस सूरत में फिक्स करते हैं, उसको फिक्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बाद में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक तीन कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर. अब ये जो तीन कार्बन का मॉलिक्यूल है ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर तीन कार्बन का मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये C3 प्लांट्स हैं. अब ये जो C3 प्लांट्स हैं ये कौन कौन से हैं, अगर हम वीट की बात करें यानी कि गंदम की बात करें और पोटैटो की बात करें तो उनके अंदर C3 प्लांट्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने सामने जो है ये कैक्टस प्लांट की बात करें तो कैक्टस प्लांट जो है उसका स्पेशल फीचर क्या है कि इसके अगर हम प्लांट की बात करें तो इसमें स्टोमेटा जो है वो दिन के टाइम में बंद होते हैं, यानी कि दिन के टाइम में क्लोज होते हैं, और रात के टाइम में इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो खुले होते हैं. इसका मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है इन प्लांट्स के अंदर वो रिवर्स होता है, यानी कि जो खुराक तैयार करने का अमल होता है इनका वो रात को होता है और दिन को नहीं होता. अब ये जो प्लांट्स हैं प्लांट्स ये मॉडिफिकेशन है C4 प्लांट्स की. C4 प्लांट्स जो हैं ये कौन से प्लांट्स हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर एक चार कार्बन का कंपाउंड बन जाता है. और ये जो चार कार्बन का कंपाउंड है अगर हम इसे देखें तो ये क्या होता है, ये होता है ऑक्सैलो एसीटेट. और ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है जो कि चार कार्बन का एक मॉलिक्यूल है ये बाद में बना देता है मैलिक एसिड. और ये जो मैलिक एसिड है ये भी एक चार कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये एसिड कहाँ पे चला जाता है, ये इनके इन प्लांट्स के वैक्यूल के अंदर चला जाता है. अब ये जो कैम प्लांट्स हैं ये C4 प्लांट्स की ही मॉडिफिकेशन है, यानी कि ये जो C4 प्लांट्स हैं इनके स्टोमेटा दिन को खुले होते हैं और इनके अंदर ये जो सारा प्रोसेस है ऑक्सैलो एसीटेट के बनने का वो इनके अंदर दिन को हो रहा होता है. लेकिन जो कैम प्लांट्स हैं इसके अंदर ये रिवर्स होता है. रिवर्स किस तरह से होता है, क्योंकि स्टोमेटा जब दिन को क्लोज होंगे और रात को खुलेंगे तो जो नॉर्मल प्रोसेस बाकी पौधों में दिन में हो रहा होगा वो इनके अंदर रात में हो रहा होगा. अब अगर हम प्लांट्स के अंदर इनकी एनाटॉमी देख लें तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है, वो लीफ के अंदर होता है. और इनके अगर हम लीफ की एनाटॉमी देखें यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसे कहा जाता है क्रैंस एनाटॉमी. क्रैंस एनाटॉमी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जो C4 प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्रैंस एनाटॉमी होती है और जो कैम प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्रैंस एनाटॉमी होती है. और ये एनाटॉमी होती किस तरह से है, इसके ऊपर जो है ये एक अपर एपिडर्मिस मौजूद होती है, नीचे जो है वो लोअर एपिडर्मिस मौजूद होती है और लोअर साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोमेटा मौजूद हैं. लोअर साइड पे स्टोमेटा इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इनके स्टोमेटा जो है वो लोअर साइड पे हैं. ऊपर की साइड पे अगर होंगे तो सारा का सारा पानी जो पौधों के अंदर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, इसलिए स्टोमेटा जो है वो नीचे की तरफ मौजूद है. इसके अलावा इनके अंदर दो जो चीजें मौजूद हैं वो क्या है कि इनके अंदर बंडल शीट सेल्स मौजूद होते हैं और इनके अंदर मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं. यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं और ये जो मीजोफिल सेल हैं और ये जो बंडल शीट है इनके अंदर आपको ग्रीन कलर के डॉट्स नजर आ रहे होंगे. ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये क्या है, इनके अंदर
क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये ग्रीन कलर के इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से ये पौधे जो हैं हमें सब्ज नजर आते हैं। अब अगर हम इनके अंदर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे हम अपने सामने जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि कैक्टी प्लांट यानी कि जो भी डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं रात के टाइम, नाइट टाइम में, और दिन को जब सूरज की रोशनी पड़ रही होती है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि जो खुराक होगी जो रात जो है नाइट में जो है ये स्टार्च जो है वो इनकी फूड है, वो कन्वर्ट हो जाएगी ट्रायोस फॉस्फेट में। ट्रायोस फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में जिसे कहा जाता है फॉस्फोइनोल पायरेवेट। ये जो फॉस्फोइनोल पायरेवेट है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होगी एटमॉस्फेयर में उसके साथ मिलेगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी कि इस तरह का 4 कार्बन का मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद होता है और ये जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। मेलेट क्या है, ये भी एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है लेकिन इन दोनों की अरेंजमेंट जो है वो फर्क होती है और ये जो प्रोसेस है इसके दरमियान में एक एंजाइम हिस्सा लेता है। एंजाइम क्या है, एंजाइम वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके प्रोसेस को तेज करते हैं और यहाँ पे जो एंजाइम है वो है मेलिक डिहाइड्रोजिनेस। अब ये जब मेलेट बन जाता है तो ये मेलेट जो है ये मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और मेलिक एसिड जो है ये कहाँ पे चला जाता है, ये इनके वैक्यूल के अंदर चला जाता है और जब इधर एसिड ज्यादा हो जाता है तो इसकी पीएच जो है वो कम हो जाती है, यानी कि पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब अगर हम दिन के प्रोसेस की बात करें तो दिन में क्या है, दिन में जो है वो प्रोसेस उल्टा होता है, जो मेलिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। मेलेट जो है वो मेलिक एंजाइम की मौजूदगी में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा तो ये क्या चीज है, ये दोबारा से एक पायरेवेट बनाएगा। पायरेवेट क्या है, पायरेवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी कि ये जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था इसमें से एक कार्बन तो यहाँ चली गई CO2 की फॉर्म में और एक जो है यहाँ पे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पायरेवेट बन जाता है और ये पायरेवेट जो है जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये बाद में स्टार्च बना देता है जो कि उनकी फूड है। इसका मतलब है कि दिन के टाइम में इनकी फूड जो है वो स्टोर होती रहती है और रात में वही फूड जो है वो इस्तेमाल होती है और इस्तेमाल होकर वो क्या बना देती है, ये बना देती है मेलिक एसिड और ये जो मेलिक एसिड है इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि जो कैम प्लांट हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कब होता है, जब स्टोमेटा इनके ओपन होते हैं रात के वक्त और इनके अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि नॉर्मल प्लांट्स में नहीं होता और ये किस लिए होता है, इनको बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए इनके अंदर ये एक अडेप्टेशन है, यानी कि ये जो पौधे हैं उन्होंने ये अपने अंदर एक चीज बनाई हुई है कि ये उनका फीचर है जो कि कैंप प्लांट्स के अंदर हमने स्टडी किया है। ये तो था कैंप प्लांट्स का बारे में जो कि हमने आज पढ़ा है कि किस तरह से ये अपने अंदर काम करते हैं और जब दिन में इनके स्टोमेटा जो हैं वो बंद होते हैं और रात में जो है ओपन होते हैं तो ये किस तरह से अपना प्रोसेस जो है वो जारी रखते हैं।